लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इच्छा ना होते हुए भी सभी मुझे अपनाते हैं। मैंने आपको भी अपने प्रभाव में लेने का अत्यधिक प्रयास किया, किंतु पाया कि आप तो निष्पाप हैं, मन कर्म और आत्मा से पूर्ण शुद्ध हैं। परंतु आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? त्रिकुकुल शिरोमणि राम, एक निर्मल मन वाला ही मेरी सहायता कर सकता है। आप निर्मल मना है, मैं बड़ी आशा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, मेरी सहायता करें। किंतु मैं आपकी सहायता क्या कर सकता हूँ? मेरी सहायता करने से पहले आपको मेरी कथा जाननी होगी। रुको, इधर आओ। बालक पुष्प तोड़ रहे थे। यूं पुष्प को तोड़ते नहीं है, हमसे भूल हो गई ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। देखो हमारे बगिया में चारों तरफ कितने तरह के सुगंधित पुष्प खिले हुए, अलग अलग रंगों के हैं। इन सब पुष्पों में अलग अलग सुगंध भी आती है, देखो कितने मनमोहक हैं, है ना? ये ईश्वर का अनुपम उपहार है हमारे लिए। और ये सब उगते कहाँ हैं? इसी एक धरती पर, है ना? इसलिए हमें इसे यूं नष्ट नहीं करना चाहिए, ये उपहार है ईश्वर का, है ना? हमें क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि ये धरती माँ कैसे उपहार देती है, है? कैसे हमारे अनेक रोगों का उपचार करती है, हमारे लिए और प्राणियों का पेट भरती है। हा? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, आओ मेरे साथ आओ। बच्चों अब ध्यान से सुनो, ये तुलसी है, ये शुद्ध और पवित्र होती है। शुद्ध होने के साथ साथ कई प्रकार से उपयोगी भी है। इनसे हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध प्राण वायु प्राप्त होती है, समझे? और यह है गुड़हल, यह भी कई प्रकार से उपयोग में आता है, अपच, कब्ज और कई प्रकार के ज्वर को भी ठीक करता है। और यह देखिए, यह है गेंदे का फूल, यह भी कई प्रकार से उपयोग में आता है। सुबह इसको खाने से हमारे नेत्रों की ज्योति तेज होती है, हा? समझे? तो इस प्रकार से इतनी सारी औषधियां हैं ये धरती माँ हमें देती है। कई प्रकार की औषधियां इनसे बनती हैं, जो हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी भी हैं। इन जड़ी बूटियों और पुष्पों के मेल से जो औषधि बनती है उससे शरीर के कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, जैसे क्षय रोग, मधुमेह इत्यादि। इसके सेवन से देह में वात और पित्त का संतुलन भी रहता है, समझे? गुरुदेव, एक गाय बार बार आ जा रही है, उपवन के फूल और पौधों को नष्ट कर रही है। अरे इतने सारे सेवक हो तुम, तुमसे एक गाय भी नहीं संभली जाती? चलो आओ मेरे साथ।
ये देखिए, तीन चार बार भगा चुका हूं किंतु बार बार आ जाती है। गौ माता, हमारी कैरियां नष्ट मत कीजिए, कृपया करके यहां से चली जाइए। देखिए गुरुजी, बड़ी हठी गाय है, हर दिन आ जाती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। हम कहते हैं चले जाओ यहां से, अन्यथा मैं तुम्हें यहां बांध दूंगा, बता रहा हूं, जाओ यहां से। अरे हटो यहां से, हम कहते हटो। हे ईश्वर, ये क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया। हे ऋषिवर, तुम कौन हो और ये सब क्या माया है? मैं पाप हूँ। पाप? पापियों को दंड देता हूँ। अपने पाप को भोगने के लिए तैयार हो जाएं। आपने गौ हत्या की है। गौ हत्या? नहीं नहीं, मैंने कोई गौ हत्या नहीं की। एक तो आपने पाप किया है और उस पर से झूठ बोल रहे हैं, ये आचरण आपको शोभा नहीं देता ऋषिवर। अरे जब हमने पाप किया ही नहीं तो हमें ये उलाना क्यों दी जा रही है, क्यों? क्या आपने इस गाय को नहीं मारा? हाँ मारा है, लेकिन हमने नहीं मारा, हमारे इन हाथों ने मारा है। दोनों में क्या अंतर है? अरे घोर अंतर है। हमारे हाथों में स्वयं देवराज इंद्र का वास होता है, और जब हमारे हाथों में देवराज इंद्र का वास है तो नियंत्रण भी तो उन्हीं का होगा। अर्थात ये गौ हत्या हमने नहीं, स्वयं देवराज इंद्र ने की है। इस गौ हत्या का पाप हमें नहीं बल्कि देवराज इंद्र को लगना चाहिए। प्रणाम देवराज। पाप? आप यहां? हाँ मैं आपके द्वारा किए गए पाप का दंड देने आया हूं देवराज। तुम मुझे दंड दोगे? तुम यहां तक तो आ गए किंतु यहां से जीवित बचकर नहीं जा पाओगे। रुक जाओ देवराज। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। ये सब क्या हो रहा है? हटो यहां से, हम कहते हटो। हमारे हाथों में स्वयं देवराज इंद्र का वास होता है, अर्थात ये गौ हत्या हमने नहीं स्वयं देवराज इंद्र ने की है। जब गौ हत्या हुई तब मैं वहां था ही नहीं, तो गौ हत्या का पाप मुझे कैसे लग सकता है? सत्य, इंद्र पर इसका पाप बनता ही नहीं। किंतु आप देवों के गुरु हैं, ज्ञानी हैं, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। मेरा न्याय तो मैंने तुम्हें बता दिया, फिर भी यदि तुम चाहते हो तो चूंकि ये घटना पृथ्वी लोक में घटित हुई तो पृथ्वी लोक में जाओ, जो पूरी तरह से निर्मल और निश्चल मन वाला हो उससे अपना न्याय कराओ। मैं पृथ्वी लोक पर अनेक स्थानों पर गया, बड़े बड़े धर्मात्मा और साधु संतों का परीक्षण किया मैंने, किंतु मुझे निश्चल मन वाला कोई ना दिखा। जब मैंने आपका निरीक्षण परीक्षण करके देखा तो मुझे आपसे अधिक निर्मल मन वाला कोई अन्य ना मिला, इसलिए आपके समक्ष गुहार लगाने आया हूं ऋषिवर। इंद्रदेव की बात सत्य है और उधर अजिगर्त ऋषि झूठ नहीं कह रहे। शास्त्रों में लिखा है हाथों में इंद्र का वास होता है। फिर मेरा निर्णय कैसे होगा? यदि मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया तो दंडित मुझे किया जाएगा। मेरा धर्म संकट में है ऋषि कुमार, मेरी एवं मेरे धर्म की रक्षा करें।
मुझे आशा है कि आप मेरा न्याय अवश्य करेंगे।